अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की स्पैगेटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थोड़ा सूप हम इसमें रखेंगे, बिल्कुल ड्राई नहीं बनाएंगे। बहुत ही मज़े की चीज़ स्पैगेटी बनती है। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और उसमें स्पैगेटी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करके हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे पानी गर्म होगा स्पैगेटी ऐसे ही नीचे चली जाएंगी। तो देखिए एक टोंग की मदद से मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूंगी ताकि हमारी सारी स्पैगेटीज अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। स्पैगेटी को बॉईल करने का जो टाइम है वो 2 मिनट है। 2 मिनट में हमारी जो स्पैगेटी है वो बहुत परफेक्ट बॉईल हो जाएंगी। तो इसको मैं उतार लूँगी। अब हम अपना बाकी का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। वापस से मैंने वही वाला पैन ले लिया जिसमें मैंने स्पैगेटी को बॉईल किया था। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करके इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको हल्का सा ऑयल में सौटे करेंगे। जैसे ही इसका कलर लाइट सा चेंज होगा हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। आप जब भी कभी पास्ता या स्पैगेटी बना रहे हो तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमेशा हरी मिर्चों को स्लाइसेस में कट करके ऐड कर लिया करें। इसके साथ आप देखेंगे कि चिकन का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हरी मिर्चों को हल्का सा सौटे करने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को मैंने पहले से ही स्ट्रिप्स में कटिंग करके रख लिया था। चिकन को हम अच्छी तरह से सौटे करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, हम इसमें वेजिटेबल ऐड कर देंगे। अभी हमने इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करने। वेजिटेबल को हल्का सा सौटे करेंगे और इसमें हम केचप ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली गार्लिक वाली केचप ऐड कर दी है। अगर आप लोगों के पास प्लेन हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें सॉसेज ऐड कर दूंगी। उसमें हम सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका ऐड करेंगे। तीनों सॉसेज मैंने 1 टेबल स्पून ऐड की हैं। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे। स्पैगेटी को बॉईल करने के बाद मैंने इसके ऊपर टैप वाटर डाल दिया था ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। अक्सर क्या होता है कि जब भी स्पैगेटी को बॉईल करते हैं तो उसके बाद वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो आप जब भी इसको बॉईल करें इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया करें, इससे ये बहुत खिली खिली सी रहती हैं। इस पॉइंट पर आके हम इसमें नमक, दादर मिर्चें और काली मिर्ची ऐड कर देंगे और हरा प्याज शामिल कर देंगे। ये बहुत अच्छी खुशबू देगा इसमें और इसका क्रंच भी बहुत मज़े का लगता है स्पैगेटी में। और इस को सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। पानी शामिल करने के बाद हम उस पानी को अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि हमारा जो सूप है वो अच्छा सा थिक हो जाए। जैसे ही 2-3 बॉयल आएंगे और हमारा जो सूप है वो अच्छे से थिक हो जाएगा तो फिर हम अपनी स्पैगेटी को डिश आउट कर लेंगे। तो मज़ेदार सी हमारी स्पैगेटी रेडी हो चुकी थी, बहुत ही टेस्टफुल ये बनी थी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेके आती रहूँ। मिलूँगी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।